है उसको टच नहीं करने का, मर जाएगा ऐसे बोल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सीनियर है। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी को आज पूरे दुनिया में लोग बात करते हैं उनके श्रेय के ऊपर, और जिस तरीके से भारत के आर्थिक व्यवस्था को कोविड के बावजूद भी और रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद भी दुनिया में ही सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के स्तर पर भारत को ले आए और दुनिया में पांचवें स्थान पर बड़ा इकोनॉमी के स्तर पर ले आए, ऐसे एक नेता जिनको भारत में जनता 2014 में और दोबारा 2019 में अच्छा मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने के लिए ले आए, उनके खिलाफ ऐसे भाषा बोलना बहुत ही खंडनीय है। मैं पुरजोर खंडन करता हूँ इसको। और मैं मानती हूँ जब एक तरफ राहुल गांधी जी प्यार के दुकान खोलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं के अपने पार्टी के प्रेसिडेंट भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्दों में वर्णन करना बहुत ही खंडनीय है। आई थिंक इट्स रियली वेरी बैड। मोदी जी बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नहीं, देश के लिए, देश का अपमान किया है। तो आप ये पूछते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश का लोग के लिए, देश के लोग के सामने मल्लिकार्जुन जी खड़गे माफी मांगना चाहिए? एंड मैडम उसको लोगों को भय हो गया कि हाँ वो तो नहीं ऑलरेडी कर्नाटका में सरकार बसवराज जी बोम्मई के सरकार येडियुरप्पा जी के गाइडेंस में जो सरकार चल रही है उसके लिए जनता खूब समर्थन देने के लिए सभी मीटिंग में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी जितने भी खर्च करें उनके रॉन्गली अर्न्ड पैसा को जनता उनको सुनने वाले नहीं है, ये उनको समझ में आ गया है। इसीलिए बोखलाहट में आज ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लोग को तो ये समझ में आ गए कि ये हारने के कगार में आने के बाद ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। इसीलिए कर्नाटका में कांग्रेस का हार तय हो गया है आज।